ये जिंदगी तुम्हारी हम कह नहीं रहे हमारी, आखिर क्यों बेवफा याद फिर क्यों आ रही तुम्हारी। इन्हीं लाइनों के साथ मैं सुशील कुमार आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ एक बार फिर से। आज के संग में हम कुछ उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर समाज में घटित होती हैं, हमारे आसपास घटित होती हैं, हमारे घर के अंदर घटित होती हैं, दोस्तों के घर में घटित होती हैं, समाज के किसी भी वर्ग में घटित हो सकती हैं या हो जाती हैं। उन घटनाओं के बारे में पूर्वाभास हम किस तरीके से करें, किसी भी चीज का पूर्व ज्ञान, पूर्व आभास करना अपने आप। आप इस क्रिया के लिए आप मेडिटेशन, बोले तो ध्यान, पूजा अर्चना, अपने दिमाग को केंद्रित करना, सब चीजों के जरिए आप अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता को आप बढ़ा सकते। अगर आप अपनी विल पावर मेडिटेशन के थ्रू, पूजा अर्चना के थ्रू, ध्यान या भक्ति के थ्रू अगर बढ़ा लेते हैं, तो आप आने वाली विपत्ति अप्रूवल गेन कर सकते, आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। या घटनाएं, समस्याएं आपसे मुझसे जुड़ी हुई हर जगह घटित होती है। प्रॉब्लम्स आपके पास ही, प्रॉब्लम्स मेरे पास ही, इनका निदान कैसे किया जाए, कैसे अपनी समस्याओं से बाहर आया जाए, मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, आस्था के थ्रू, पूजा के थ्रू, आप आजमाइए इन सब चीजों को और आप यूं ही समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को एकांत करना होगा, अपने दिमाग को संगठित करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, समय अवधि बढ़ानी होगी मेडिटेशन। हर व्यक्ति का मेडिटेशन करने का तरीका अलग है, मैं विधि कोई नहीं बताऊं, आप जिस विधि को अपनाएं, क्योंकि आपको अपनी विल पावर बनाना। आप मेरे वीडियो नहीं देखते रहिए, मुझे लिखना ना भूलें, sushil_gangwa@gmail.com, sushil_gangwa@redfmail.com आप मुझे मेल करें, हमारी वेबसाइट साक्षात्कार.com, साक्षात्कार.tv.com पर विजिट करना ना भूलें। अगले अंक में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा और किसी ऐसी चीज़ पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए सुशील कुमार को जाए दीजिए, नमस्कार।